ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, समीर मलिक, हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मेरे साथ में निदा है, 9 साल की फीमेल है और इसके फादर एक शॉप कीपर हैं, बच्ची को कंजनाइटल हार्ट डिसीज़ है, इसको ASD है और इसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। हार्ट के 4 कमरे होते हैं, 2 छोटे 2 बड़े। 2 छोटे कमरों की जो खिड़की है वो खुली रह गई है, उसमें एक बहुत अच्छा रिम बना हुआ है और रिम के कारण से और अभी राइट साइड का प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ तो डिवाइस क्लोज़र इसका हो सकता है। और जीवी पंप में ये लोग दिखा रहे हैं और इसको डिवाइस क्लोज़र से इसका जो है सर्जरी बिल्कुल हो सकती है और इसके लिए हम इसको जीवी पंप से कोऑर्डिनेट करके इसको डिवाइस लगवा के देंगे। बेटी क्या करती हो? स्कूल बताओ, क्या करती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, क्या पढ़ती हो, क्या पढ़ा तुमने? सारे सब्जेक्ट पढ़ो। क्या बनोगी आगे जाके? टीचर बनोगी? कौन से, कितना पढ़ोगी जाके? बहुत। कितना कितना ज़्यादा? तो क्या टीचर करके क्या क्या पढ़ाओगी? सारे सब्जेक्ट। एक ही पढ़ाओगी ना, टीचर तो एक ही सब्जेक्ट में बनोगी, सब में कैसे बनोगी? तो कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है सब्जेक्ट? उर्दू। उर्दू अच्छी लगती है, ठीक है। तो अपनी प्रेयर आती है आपको? सुनाओ मुझे, 2 लाइनें सुनाओ प्रेयर की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलो, कुरान शरीफ की कुछ सुनाओ। मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दालीन। वेरी गुड। दिन में कितनी बार बोलती हो इसको? बहुत बार बोलती हो। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तब भी। कितनी बार पढ़ती हो? कितनी गिनती में, दिन में कितनी बार नमाज पढ़ती हो? 5 बार नमाज पढ़ती हो। आप क्या करते हैं आदिव जी? आदिव चक्की चला रहा हूँ, स्टेमर टप पीसने की। पहले बिल्डिंग का काम था, वो बंद कर दिया मैंने। अब स्टेमर टप पीसता हूँ घर पे चक्की की। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटी हैं, 1 बेटा छोटा। बाकी बेटियाँ क्या करती हैं? बेट सब पढ़ रही हैं, सब बच्चे। कहाँ पे? ये एक गांधी मूवी में पढ़ रही है। और बेटा क्या करता है? बेटा ही पढ़ता। देखिए हमने इस बच्चे को देखा है, इको करके भी देखा है और इसको रिपेयर तो कराना पड़ेगा। रिपेयर हम कराना पड़ेगा, हम पंत हॉस्पिटल से बात करेंगे। इन्होंने 90,000 रुपये का एस्टिमेट दिया है तो हम 50,000 रुपये आपको सेंक्शन करेंगे। 40,000 का खर्चा आप इसके नाम पे करोगे और फिर हम इसका हमारा आदमी साथ में जाके वहाँ डेट लेके इसको करवाएगा और ऑपरेशन के बाद में जब जब हम यहाँ पे इको जब जब इसका रिपीट होगा वो हम करके देंगे, वो आपको फ्री होता जाएगा और दवाइयाँ इसको आगे लगेंगे नहीं। दवाई में अपने पास से लेनी पड़ेगी? दवाइयाँ लगेंगी नहीं इसके बाद में। दवाई नहीं लगेगी ना, एक बार ऑपरेशन हो जाएगा फिर दवाइयाँ नहीं लगेंगी। दवाई के टाइम, उसके ऑपरेशन के टाइम पर तो दवाई लगेंगी भाई। ऑपरेशन के टाइम पे जो दवाइयाँ लगेंगी वो तो बताएंगे, उन्होंने तो यहाँ पे जो एस्टिमेट दिया उसमें पूरा होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो खाली उन्होंने एस्टिमेट जो दिया ना वो कोई छतरी टाइप की कुछ बोल रहे। हाँ जी, और क्या बोला उन्होंने? ये उसका बाकी सब वहाँ फ्री होता है। दवाई तो बोली, दवाई बाहर से लानी पड़ेगी। कौन सी दवाई पता करके आइए, कितना है क्या है हमें बताएंगे ना। एस्टिमेट मुझे नहीं दिया उसका, वो आपको पूछ के हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं इसका फिर हम ऑपरेशन जो है जीवी पंत में करा के देंगे। थैंक यू।